धनराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशि धनराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ, और इस वक्त खड़े हैं सढौरा के गांव खांडरा में, जहां पर आज सुबह एक हादसा हुआ है। जो एक पोल्ट्री फार्म था जिसमें मुर्गी के बच्चे रखे हुए थे, उसकी अचानक से छत गिर जाती है और उसमें लगभग जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं तमाम मिट्टी की ढेरियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो बच्चे दब चुके हैं। लगभग 1400 बच्चे बता रहे हैं जो फार्म के मालिक हैं। और सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास ये हादसा होता है, अचानक से छत गिर जाती है, दीवारें बैठ जाती हैं, क्योंकि इन दिनों बरसात भी काफ़ी अधिक हो चुकी है, जिसकी वजह से जो दीवारें हैं उनमें जो सीलन है एक तरह से आने की वजह से और छतों के कमज़ोर हो जाने की वजह से अचानक से छत गिरने के कारण ये लगभग 1400 बच्चे इसके नीचे दबकर मर चुके हैं। तो एक काफ़ी नुकसान अगर कहा जाए, देखा जाए, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से तैयार था और अब ये एक तरह से बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था बच्चा, जो इसके नीचे दबकर मर चुका है। तो चलिए लोगों से जो यहाँ पर जिनका फार्म है उनसे भी बातचीत करेंगे, ओवरऑल कितना नुकसान इनका हुआ है। तो ये जो इसमें कड़ियाँ डली हुई थी सीमेंटेड, ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप। इस तरफ इनके दो कमरे बने हुए थे बैठने के लिए, और हादसे के वक्त गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं मौजूद था। अक्सर यहाँ पर बताया ऐसा जाता है कि यहाँ पर जो जिनका फार्म है वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देख सकते हैं जो गाटर हैं, लोहे के गाटर पूरी तरह से घूम चुके हैं, मुस चुके हैं, जिसकी वजह से ये छत गिर गई और अचानक से ये इतना बड़ा हादसा। लगभग 1450 बच्चे दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। जब इस चीज़ की भनक फार्म मालिक को लगी, उन्होंने आनन फानन में ट्रैक्टर के साथ यहाँ से जो छत का मलबा था उसको हटाने का प्रयास किया ट्रैक्टर की मदद से। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? रजाक मोहम्मद है जी। क्या मामला था, ये क्या बात होगी थी? मैं अपनी दुकान पे बैठा था, जैसे ही मतलब मेरे को आवाज आई जी, मैं दुकान से बाहर निकला, मैं देखा पता नहीं क्या हो गया ऐसे, मतलब जैसे भूकंप ऐसे आया, मैं देखा बाहर आके तो मतलब ये फार्म गिरा हुआ था। किस टाइम का ये हादसा? ये 9:30 बजे की बात है जी, आज के जी। तो मैंने अंकल जी को फोन किया, मतलब ऐसे ऐसे मतलब आपका फार्म गिर गया, तो जी आए मौके पे इन्होंने देखा कुछ मतलब खत्म ही था, मतलब पूरा फार्म 1400 बच्चे मर चुके थे, पूरा फार्म खत्म है। उसके बाद क्या कार्यवाही की गई? बस इन्होंने कुछ मिनट में कार्रवाई किया, इन्होंने उंटा उंटा निकाली, कुछ भी नहीं मतलब उससे लिए। तो बच्चे मरे हुए थे? सब बच्चे मरे हुए थे, वो तकरीबन ऐसा हुआ मतलब कोई मतलब दाना दूना पाने आया था, मतलब जैसे वह इन कमरे बनाए थे जो दो, उनमें भी मतलब बच्चे बैठे रहते हैं वैसे खेलने के लिए। अच्छा, उन पर मतलब कोई है नहीं, उस टाइम कोई है नहीं था। तो कोई इंसानी कोई जानी ना, तो नहीं वैसा नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जुल्फान जी। फार्म आपकी है? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे हादसा हुआ है तो कितना नुकसान आपको होगा? 2-2.5 लाख हो गया। अच्छा, तो जो बच्चे थे वो कितने दिन के बच्चे थे? 39 दिन के गए थे। 39 दिन, कितने दिन में तैयार होता बच्चा? 40 दिन में तैयार हुआ पूरा। 40 दिन में मतलब लगभग पूरे तैयार थे बच्चे? हाँ, 40 दिन में भाई सब रे जा। अच्छा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाजरुद्दीन है जी। क्या बात होगी थी ये जो बताया ऐसा जा रहा है कि आप ऐसा वहाँ दुनिया से दाना पानी पाकर बिगड़ गए थे जी, रोटी रोटी खान, तो यहाँ से रजाक था जो मौके पर, इसने देखा अभी छत गिर गई थी, छत गिरने के बाद इन्हें मेरे पास फोन करे, मैं और ऐसे देखा आएगा आएगा देखा, फिर बाद जा मैं बंदे लिया बुलाएगा, बाद जा कुछ बच्चे मरे काटे जी, जोड़ से काटना वही मरे आ, जोड़ से काटना वही मरे आ, 5000 का बच्चा का फार्म आयो, जिम्मे से 1400-1450 बच्चा खत्म हो चुका, और पै भी नहीं रहा, मट्टी के नीचे दबया। तो आपको क्या लगता है कि ये फार्म गिरा कैसे? बस जी, इसका न्यू ही मामला लग रहा है, गिरा कैसे है? कब से था बना हुआ ये? बना है तो जो 10 साल है। अच्छा, हाँ। तो क्या कारण रहा होगा, दीवारें कच्ची थी या कैसे? दीवारें पक्की थी, सीमेंट दीवारें थी। अच्छा, गाटर थे, सीमेंट की कड़ियां थी। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भूकंप वगैरह आया हो? ऐसा कोई मन तो नजर नहीं बात आई वैसे। अच्छा, तो 1400 बच्चे यानी 1400-1450 बच्चा मतलब मर चुका।
आपने इसके बारे में कोई एप्लीकेशन बच्ची कोई एप्लीकेशन तो मन ब्लॉक तो दी नहीं है हम तो अपने समय बढ़ रहे दूसरे बच्चे तो निकालने के बाद कि जो बच्चे जूंदे थे ना वो दूसरे फार्म में पलटा मारा तो अब प्रशासन से आप क्या मदद की गुहार लगाना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से बच्ची जो कुछ मदद कर सकते हो 1400 बच्चों में आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान आपका बच्चा हमारा 1400 में 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है 2-2.5 लाख के आसपास नुकसान आपका बच्चे पूरे तैयार थे 2 किलो की एवरेज में जा रहा था दो दिन बाहर हो रहा होगा तो 2-2.5 के मतलब नुकसान तो बच्चे को आया बाकी और जोड़ सो आया भाई क्या नाम है आपका मेरा जी नदीम नदीम आपने क्या कुछ देखा कितने बच्चे हो गए यहाँ पे यो जी 5000 का बच्चे वो फार्म है जी इसमें 1450 बच्चे मर चुके काफी नुकसान हुआ मालिक का जी अच्छा। मौके पे हम तो जी हो गए जी 12-13 साल जी 12-13 साल हाँ जी हाँ जी यहीं पे अच्छा हाँ जी हाँ जी हमारे काम है जी वो अच्छा। बस खाना खाने गए हुए थे जी बस मालिक ने फोन कराया एकदम इस तरह होगा जी फिर हमारे आकर देखा क्या बच्चे आधे बाहर आधे अंदर कुछ मरे पड़े जी बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ जी।